गाइस, आई एम पूजा कवर। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन सी एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, द लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको वैकेंसी में सीरियल नंबर 5 में आपको यहां पे वैकेंसी मिल जाएगी, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट ES डिवीजन फॉर पोस्टिंग एट वेरियस लोकेशंस इन इंडिया में आपको यहाँ पर ये वैकेंसी मिल जाएगी। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर IAS डिवीजन पर, इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस PDF फाइल में वैकेंसी से संबंधित सारी डिटेल काफी लंबी तरीके से दी गई हैं, जिसे मैंने इजी वे में एक शॉर्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर, ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 6 है। अदर ब्रांच मैकेनिकल है, पोस्ट सेम है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 6 है। एंड अदर ब्रांच कंप्यूटर साइंस फर्स्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 3 है। एंड पोस्ट यहाँ पर सेम है, प्रोजेक्ट इंजीनियर ही है। तीनों की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो कैंडिडेट के पास BE या BTEC या BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, या कम्युनिकेशन में, या टेली कम्युनिकेशन में, या मैकेनिकल में, या कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, यानी इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आप BE, BTEC या BSc हैं तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। एंड रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं, जो कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल की जाएगी, इसलिए यहाँ पर रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में कैंडिडेट को 35,000 पर मंथ दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में 45,000 पर मंथ, एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर दोनों में 50,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। साथ ही एवरीवेयर 10,000 का अलाउंसेस भी दिया जाएगा। मैक्सिमम 28 ईयर के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। अप्लाई फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी EWS कैंडिडेट के लिए 500 है, SC ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। अप्लाई मोड यहां पर ऑफलाइन है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपका वेबसाइट पर दिया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 दिसंबर 2021 है। एंड इसके एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे, जैसे ही आप यहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की अटैच्ड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके निम्न एड्रेस पर आप इसे कोरियर के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं। एड्रेस की बात कर लेते हैं। मैनेजर HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रविंद्रनाथ टैगोर रोड, मछलीपट्टनम 521001, आंध्र प्रदेश पर इसे सेंड करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर वीडियो बेस इसका सिलेक्शन होगा, जो कि इंटरव्यू लिया जाएगा। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को लेकर के कितना वेटेज अलॉट किया गया है इसको एक बार देख लेते हैं। क्राइटेरिया फर्स्ट में जो भी सेंसल क्वालिफिकेशन है उसमें जो भी मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे मैक्सिमम 75 मार्क्स होंगे, यानी 75% हो सकते हैं। एंड क्राइटेरिया टू में एवरी 6 मंथ संबंधित क्षेत्र में एक्सपीरियंस के लिए 1.25 मार्क्स अवार्ड
दिया जाएगा जो कि मैक्सिमम 10 मार्क्स हो सकता है। क्राइटेरिया फर्स्ट एंड क्राइटेरिया सेकंड दोनों को मिलाकर कैंडिडेट को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन वीडियो बेस्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 15 है एंड मैक्सिमम तीनों को मिलाकर मैक्सिमम 100 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक।